परासिया रेलवे स्टेशन पर रेक न लगने पर हम्बाली करने वाले मजदूर परेशान हो चुके हैं। काम नहीं मिलने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परासिया में हम्बाल लोगों के आग्रह पर ब्लू क्राफ्ट आर्गो कंपनी और रेल अधिकारियों की मीटिंग हुई, जहां हम्बालों के मसले पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि यहाँ से रेक में मक्का भरकर हरियाणा जाता है, वो रेक जल्दी लगने चाहिए ताकि मजदूरों को काम मिल सके। यहाँ पर कई दिनों के बाद रेक लगता है। इसकी शिकायत कई बार कंपनी ने रेलवे के सीनियर अफसरों से भी की, परंतु अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिसमें मक्का लाने के ट्रांसपोर्टर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे अधिक परेशानी यहाँ काम करने वाले मजदूरों को भुगतना पड़ रही है। मजदूर सुबह काम के लिए दूर दराज से आते हैं, पर शाम तक काम न मिलने पर निराश होकर वापस चले जाते हैं। उनके सामने परिवार के पालन पोषण करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। हमालों ने रेलवे से गुहार लगाई है कि रेक समय समय पर उपलब्ध होते रहें, जिससे मक्का का रेक भर जाए और मजदूरों का पालन पोषण करने के लिए उन्हें काम मिल सके। मैं सुबह से यहाँ परासिया रेक पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि रेक प्लेस हो जाती है, फिर पार्टी द्वारा मौखिक रूप से नागपुर डिवीज़न से DRM या सीनियर DRM को जैसा ही मैसेज आता है, उस हिसाब से यहाँ जो है रेक को वो करा जाता है, कैंसिल करते हैं। और कोई फॉरफिट नहीं होता, ऐसे ही खड़े रहती है रेक। हर 2 घंटे का इसमें कोई क्लॉज है, उसका फ़ायदा उठाती है पार्टी, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। हाँ, उसका शिकायत हम लोगों ने किया है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सर, हम लोग यहाँ 14 मुकदम में यहाँ काम करते हैं और ये बागिन लगता है तो ऐसा एक दो लगता है फिर चला जाता है, लेकिन हम लोगों को डेली काम चाहिए सर। हम लोग यहाँ सुबह से शाम तक देखते हैं, बक्सा लगते हैं फिर चला जाता है, इसमें हम लोगों को थोड़ा परमानेंट काम नहीं मिल पा, काम मिलना चाहिए हम लोगों को। ये तो कंपनी का गलती है, कंपनी लगाएगा तो हम काम करेंगे ना, अब बक्सा नहीं देंगे तो हम कहाँ से काम करेंगे, पूरे सारे लेबर चला जाता है यहाँ से वापस। तो हम लोगों को परमानेंट काम चाहिए, बड़े तक कम से कम रोजी रोटी चलते रहे। हम लोगों सुबह से शाम हो जाता काम नहीं मिलता तो हम लोगों की नाराजगी जाए, दिन भर बैठे सर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।